खबर शिवपुरी जिले के पोहरी अनुभाग से है, जहां नगर के जाने माने अमन पब्लिक स्कूल को शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा सेंटर बनाया गया है। सेंटर को लेकर नकल माफियाओं में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि अमन पब्लिक स्कूल चारों ओर से बाउंड्री से कवर्ड है तथा छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था है। साथ ही पूरा अमन पब्लिक स्कूल पोहरी परिसर में CCTV कैमरों की निगरानी में होने के कारण नकल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नकल माफिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। गुप्त सूत्रों के अनुसार इसको देखते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठ घाट कर सेंटर को अन्यत्र बनाए जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन नकल माफियाओं को आखिर किसी न किसी तो खुला संरक्षण प्राप्त है। वहीं अगर सेंटर का अमन पब्लिक स्कूल के अलावा कहीं और बनाया जाता है तो पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और उनकी मेहनत पर एक गहरा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा गरीब किसानों के पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका परिणाम जो लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं वे बच्चे परीक्षाओं के रिजल्ट में पीछे रह जाते हैं और नकल के माध्यम से पास हुए बच्चे उनसे भी आगे निकल जाते हैं। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।